नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान है या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। जैसे हम लोग को सबको पता है मार्केट में हर रोज काफी सारा कॉल बनता है, बट उसमें से कुछ कॉल अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल ही अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है एंड एंट्री लेने का साथ साथ एक ट्रेडर को एग्जिट कहां पर करना है। देखिए, हम लोग एंट्री तो ले लेते हैं बट सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। वो टाइम क्या होता है, हम लोग जल्दी निकल जाते हैं, उसका बाद देखते हैं मार्केट में लंबा प्रॉफिट देखे गया। और कभी कभार ऐसा भी होता है जो थोड़ा सा ज्यादा वेट करने का चक्कर में हाथ में जो भी पैसा आ रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो दोनों तरफ ही फंसते हैं, रीजन एक ही है, हम लोग सही जगह पे मार्केट को छोड़ नहीं पाते। तो इस वीडियो में मैं सारा चीज को एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो का अंत तक जरूर देखिए, काफी सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है। तो निफ्टी फ्यूचर का ये 22 तारीख का चार्ट है, आज को मार्केट ओपन हुआ यहां पर। ये देखिए, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है थोड़ा ब्लू टाइप का कैंडल है, ब्लू कैंडल का मतलब भी यही है, जो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है और नेक्स्ट कैंडल पे आपको सिग्नल मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे ही ब्लू कैंडल खत्म होगा नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग वैल्यू में कॉल कंफर्म हो जाएगा। तो कॉल जब भी बनेगा आपका स्क्रीन के ऊपर पॉपअप आ जाता है नोटिफिकेशन का द्वारा, एंड लेफ्ट हैंड साइड में उसका डिटेल्स भी आ जाएगा, जो कौन सा वैल्यू में कॉल दिया है, टारगेट, स्टॉप लॉस, ईच एंड एवरीथिंग। आपको कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। अब मेन जो चीज है, ये कॉल सही है या गलत है। सिग्नल तो मुझे मिल गया, सुबह 9:20 पे कॉल मुझे मिल गया। अब कॉल को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको तीन चीज को देखना पड़ेगा। पहला चीज है बाइंग का टाइम, नीचे का रिबन का कलर क्या है। अगर वो रेड है इसका मतलब अभी मार्केट में सेलर्स है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा कंडीशन होता है बाय का कॉल का पहले स्टार बनेगा, जो बना नहीं है। एंड तीसरा कंडीशन जो आपका फेवर में है वो है ब्रिक्स वाला इंडिकेटर, जो ग्रीन होकर व्हाइट का ऊपर चला गया। तो तीन में से एक कंडीशन मैच है, बाकी दो मैच नहीं है। इसका मतलब है ये कॉल आपके लिए ट्रेडेबल नहीं है। अल्टीमेट देखेंगे, ये धीरे धीरे मार्केट नीचे गिरना शुरू कर दिया है, और अगर अब यहां पर बाय करते तो देखिए -48 पॉइंट। तो निफ्टी फ्यूचर के लिए 48 पॉइंट मतलब बहुत ज्यादा होता है। तो दिन का फर्स्ट कॉल ही अगर आपका लॉस हो जाएगा तो आपका मोरल टोटली डाउन हो जाएगा। तो कॉल को मतलब लॉस से बचना भी वन काइंड ऑफ प्रॉफिट ही होता है, तो हम लोग आराम से इस कॉल को अवॉइड कर सकते हैं। अभी देखिए, दूसरा जो कॉल बना है ये बाइंग का कॉल बना है, सॉरी सेलिंग का कॉल बना है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में मैं क्या बता रहा हूँ। पहला बाय का कॉल से तो हम लोग बच गए, सेकेंड सेल का कॉल में क्या देखना है, नीचे का रिबन तो रेड है, ब्रिक्स आपका फेवर में है, मतलब रेड है और व्हाइट का नीचे है। इस सेल का कॉल का पहले भी स्टार बनेगा, बट यहाँ पर स्टार आपको नहीं दिख रहा है। स्टार नहीं दिख रहा है तो ऐसा भी हो सकता है पहले दिन से अगले दिन से कोई स्टार चल रहा है, ऐसा हो ही सकता है जो अगले दिन का स्टार कंटिन्यू हो रहा है। तो स्टार यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, स्टार भी सोचिए मैच है, बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। इसका जो पहला प्रॉब्लम है, ये जो सिग्नल बना है, जिस कैंडल पे सिग्नल बना है वो कैंडल आपको क्या दिख रहा है, ब्लैक। याद रखिएगा, जितना भी ब्लैक कैंडल अंदर बनेगा, मतलब कैंडल का अंदर ब्लैक होगा तो बुलिश कैंडल। एक्चुअली इस कैंडल का जो क्लोजिंग है, इस क्लोजिंग को ब्लू कैंडल का लो का नीचे होना चाहिए था, जो हुआ नहीं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर सेल करने जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ब्रेकडाउन जोन और रेड डॉटेड लाइन बोल के दो लेवल दिखाई दे रहा है। तो अगर आप मेरा एग्जिस्टिंग क्लाइंट है तो ध्यान से सुनिएगा, ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर एक नेगेटिव पॉइंट है, जो इस कैंडल का क्लोजिंग, जिस कैंडल पे कॉल बना है उसका क्लोजिंग ब्लू कैंडल का लो का नहीं नीचे नहीं गया। और सेकेंडली, जहां पर एक कॉल बन रहा है ये ऑलरेडी ब्रेकडाउन बोल के जो हम लोग का लेवल है या रेड डॉटेड लाइन है, वो ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ गया, तो नीचे की तरफ स्पेस नहीं है, इतना आपको क्लियर हो गया। तो ये भी आपके लिए नेगेटिव पॉइंट है जहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है। अल्टीमेट देखिए, मार्केट तुरंत रिवर्स हो गया और दोबारा बाय का कॉल बन। अब ये जो बाय का कॉल है, इसमें देखिए सिग्नल का पहले स्टार है, नीचे का रिबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका फेवर में। अब इसमें भी तीनों कंडीशन मैच होने के बाद फाइनल कंडीशन क्या बता रहे थे, जो ब्लू कैंडल का हाई, जैसे यहां पर सेलिंग का टाइम ब्लू कैंडल का लो का नीचे इसका क्लोजिंग होना चाहिए, वैसे ही बाइंग का टाइम ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर इस बाय का कॉल का क्लोजिंग होना चाहिए। तो यहां पर भी देखिए, ब्लू कैंडल का जो हाई है उसका ऊपर इस कैंडल का क्लोजिंग नहीं हुआ था, तो यहां पर भी आप ट्रैप होने से बचे। तो सुबह से लेके देखिए कितना बार कॉल बन रहा है और हर एक कॉल कंडीशन का खिलाफ जा रहा है, जहां पर हम लोग ट्रेड नहीं कर रहे। तो ऐसा जैसे मैं बहुत सारा वीडियो में भी बताता हूँ, मार्केट में फर्स्ट जो 45 मिनट होता है वहां पर बहुत बंदा ट्रेड करता है, जो इमैच्योर ट्रेडर होता है और मार्केट को बहुत ज्यादा वोलेटाइल करता है।
कोई बाय बाय कर ले रहा है, कोई सेल कर रहा है विदाउट एनी लॉजिक, तो इसके लिए इस टाइम वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होता है। तो इस टाइम ट्रेड करना है तो एकदम कंसेप्चुअली सही मैच होगा तो ट्रेड करना है, अदर नहीं करना है। तो पहला जो बाय का तीन कॉल बना, तीनों का तीनों कॉल फॉल्स हो गया। अभी जैसे देखिए यहां पर एक सेलिंग का कॉल बना, अब ये सेल का कॉल पे मुझे दिखाई दे रहा है स्टार है। देखिए सेल का कॉल का पहले स्टार है, नीचे का रेड है, ब्रिक्स फेवर में, तीनों का तीनों कंडीशन मैच है और ये ब्लू कैंडल का लो का नीचे भी क्लोजिंग हो गया। तो कंडीशन के हिसाब से कोई डाउट नहीं है, सिर्फ एक ही चीज मुझे दिख रहा है जो ये ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आ गया, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में है। अब बहुत टाइम ऐसा हम लोग देखे हैं जो ओवरसोल्ड में भी मार्केट गिरते रहता है, तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट का सेंटिमेंट अगर चला तो आप ओवरबॉट में भी बाइंग प्रॉफिट बना सकते हो, ओवर सेल में भी सेलिंग में प्रॉफिट बना सकते हो। तो जो भी लॉजिकली सारा कंडीशन मैच हुआ है मैं यहाँ पर एंट्री ले सकता हूँ, बट याद रखना है जो रेंज ज्यादा नहीं है तो ज्यादा शायद प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेट देखिए थोड़ा सा गिरने के बाद धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर रिवर्स होने का बारे में सोच रहा है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट ब्रिक्स वाला इंडिकेटर क्या हुआ, व्हाइट का ऊपर चला गया, तो इसका मतलब है यहां से पोजिशन आपका स्क्वायर अप हो गया। तो ये सब चीज को समझ में रखना है। तो ये कॉल बिल्कुल सही था, बट मुझे पता था जो ज्यादा नहीं गिरेगा क्योंकि रेंज ज्यादा नहीं है, बट फिर उसका बाद भी थोड़ा बहुत मोमेंटम किया और ब्रिज को देखते हुए आप अपना पोजीशन को छोड़ दिए। फाइनली देखेंगे नीचे का रिबोन धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, फिर रेड हो रहा है, ग्रीन हो रहा है। ब्रिक्स वाला इंडिकेटर क्या है, ये व्हाइट का ऊपर चला गया। याद रखिएगा ब्रिक्स वाला जो इंडिकेटर है ये काफी पावरफुल है और ये सेंटिमेंट को कैच करता है। सिग्नल तो बाद में मार्केट में बाद में रिएक्ट करता है, सेंटिमेंट सबसे पहले। तो ये ब्रिक्स वाला इंडिकेटर अगर व्हाइट का ऊपर चला गया है तो ये 11:05 का जो कैंडल है इसी टाइम आपको पता चल गया जो मार्केट ऊपर का तरफ जाने वाला है, आप प्रिपरेशन ले सकते हैं। अब देखिए फाइनली यहां पर बाय का कॉल बन गया। बाय का कॉल में यहां पर भी स्टार का साथ था, नीचे करीबन ग्रीन था, ब्रिक्स आपका फेवर में था और यहां पर भी वही चीज के लिए वेट करना है जो ब्लू कैंडल का जो हाई है उसका ऊपर कोई कैंडल क्लोज हो रहा है क्या नहीं। तो फाइनली अगर मैं देखूंगा ये जो कैंडल है ये ब्लू कैंडल का हाई का ऊपर चला गया तो आपका ऑर्डर यहां पर बनेगा। तो देखिए प्रैक्टिकली एकदम प्रैक्टिकल चीज है, यहां पर कोई भी चीज रिपेंड नहीं है, ऐसा नहीं जो बाद में ये चेंज हो रहा है। भले ही मैं मार्केट का बाद में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि लाइव मार्केट में उतना टाइम नहीं होता है, बट जो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली वैसा है और जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको ऐसे फॉलो करना है। तो सुबह को एक ही सेलिंग में मैं प्रॉफिट बनाया हूँ छोटा सा ये वाला। अभी फाइनली बाय का कॉल में यहाँ पर एंट्री लिए हैं। अब इस टाइम सारा कंडीशन मैच है, बट यहाँ पर एक चीज को याद रखिएगा ये जो ब्रेक्स है ये बहुत पहले ब्रेक हो गया। जैसे मैं बताया 11 बजे आपको बता दिया था ऊपर जाने वाला है, आपको एंट्री मिल रहा है कौन सा कैंडल पे लगभग 12 बजे, मतलब 1 घंटा बाद। तो 1 घंटा में मार्केट में बहुत कुछ सेंटिमेंट चेंज हो गया, मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऐसा नहीं बोलूंगा जी यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर सकते, बट इतना सेंटिमेंट निकल जाने के बाद मार्केट में थोड़ा सा नेगेटिविटी आ जाता है, मतलब सेंटिमेंट थोड़ा सा निकल गया। अभी अगर मैं यहां पर बाय किया भी हूं, देखिए ब्रिक्स यहां पर व्हाइट को तोड़ दिया फाइनली, तो यहां पर मैं प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा हूं, यहां पर मुझे मिनिमम लॉस में निकलना पड़ेगा। अगर लॉस हो भी रहा है तो देखिए कितना मिनिमम है, 2 से 3 पॉइंट का लॉस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हम लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में सोचते नहीं है, बट लॉस अगर हो रहा है तो देखना है जो आप कितना मिनिमम लॉस खा रहे हैं। प्रॉफिट तो मिलेगा ही, बट लॉस को अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर पाएंगे तो कभी भी उस टाइप का सेटिस्फेक्शन रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। तो देखिए यहां पर सारा कंडीशन मैच हुआ, मैं ट्रेड भी किया, बट मुझे दिखाई दे रहा है यहां पर ब्रिक्स नीचे आ रहे हैं तो मैं पोजिशन को छोड़ दिया। तो यहां पर मैं ज्यादा लॉस भी नहीं किया। बहुत टाइम क्या होता है ट्रेडर वेट करते रहता है, वेट करते रहता है और बहुत ज्यादा लॉस खा जाता है। तो ये चीज भी समझना है कहां पर वेट करना है कहां पर वेट नहीं करना है। फाइनली देखिए ब्रिक्स नीचे आया, सेलिंग का कॉल भी बन गया, बट सेल का कॉल सही नहीं है क्योंकि सेल का कॉल में कोई स्टार बना नहीं है रेड कलर का, तो उस हिसाब से सेल का कॉल में हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जो ब्रिक्स को देखते हुए आप एग्जिट किए थे देखिए वही ब्रिक्स अभी व्हाइट को तोड़ के ऊपर जा रहा है, नीचे करीबन ग्रीन हो गया, बट आपको यहाँ पर वेट भी करना है सिग्नल के लिए क्योंकि सिग्नल बना नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर बाय का कॉल भी रिफ्लेक्ट हो गया, इस बाय का कॉल में वही सेम कंडीशन, नीचे करीबन ग्रीन है, ब्रिक्स आपका ऊपर चला गया, स्टार तो पहले से ही चल रहा है दोबारा बनेगा नहीं। अब जैसे देखिए यहां पर आपका धीरे धीरे प्रॉफिट देखिए निकल गया, फर्स्ट सेकंड टारगेट भी लगभग करीब चला गया था। अब इसका बाद भी आपको वही ब्रिक्स वाला इंडिकेटर का तरफ ध्यान में रखना है। देखिए ब्रिक्स वाला इंडिकेटर अभी व्हाइट को तोड़ने जा रहा है या तोड़ रहा है, ऐसा एक सिचुएशन चल रहा है। तो अभी मैं लाइव में आ गया हूँ, ये अभी एलटीपी जो अपडेट हो रहा है लाइव मार्केट का है, और यहां पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं या फिर ये जो दोनों लाइन है ये देखिए अभी भी क्रॉसओवर इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, तो ये अभी भी आपको बता रहा है जो थोड़ा सा आप यहाँ पर ब्रिक्स चाहे तो ले सकते हैं, बट ब्रिक्स का तरफ ध्यान दीजिएगा। अगर ब्रिक्स बाकी व्हाइट को तोड़ के और थोड़ा नीचे गिरने लगा तो आपको निकल जाना है।
तो ये था फुल डे का परफॉर्मेंस। अभी टाइमिंग हो रहा है 2:30, अभी भी 1 घंटा मार्केट चलना बाकी है, तो आगे क्या होगा वो तो बाद में पता चलेगा। बट अभी जितना मैं वीडियो समझाया हूँ, होपफुली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। लॉजिक को सही से फॉलो कीजिए, रिजल्ट जरूर मिलेगा। 100% कुछ भी नहीं है, बट अगर आप सही लॉजिक को फॉलो कर रहे हैं, मोर देन 80% रिजल्ट आपको मिलने वाला है। थैंक यू सो मच। और ये फ्यूचर का चार्ट था, आप अगर ऑप्शन ट्रेडर है आप इसको देखते हुए भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग का सॉफ्टवेयर में ऑप्शन का भी रेट, ऑप्शन का भी स्ट्राइक प्राइस मिलता है। थैंक यू सो मच, गुड बाय।